हाँ जी, आज हम अपना तीसरा सेशन शुरू करेंगे।오늘은 신앙의 발판에 대해서 지금 말씀드리고 있습니다. अभी हम थोड़ी देर पहले ईमान के बारे में बात कर रहे थे। हाँ여러분, 높은 곳에 어떤 물건이 있으면은 우리가 쉽게 끌 수가 없죠. 다시 말씀하세요, 목사님. 만약에 우리가 높은 곳에 어떤 물건이 있으면은 그것을 끌기가 참 어렵습니다. कोई भी सामान अगर बहुत ऊंची जगह पे पड़ा है तो उसको उतारना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है।그때에 조그만 발판을 놓고 올라서면은 쉽게 꺼낼 수 있어요. और उसके लिए हमें कोई भी चीज अपने कदमों के नीचे, पांव के नीचे रखना पड़ती है ताकि हम ऊपर चढ़कर उसको पकड़ सकें, उतार सकें।마찬가지로 오늘 말씀은 우리가 신앙생활하는 데 너무나 중요한 말씀입니다. इसी तरह खुदा का कलाम भी है, ये बहुत ऊंचा है, इसको पकड़ने के लिए हमें थोड़ी सीढ़ियां, थोड़े काम करना पड़ते हैं।힘들고 어려운 일이 있을 때 우리가 돌파할 수 있는 그런 귀한 말씀들이에요. जब भी हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, परेशान आती है, परेशानी आती है, तो उसके लिए हमें खुदा की जरूरत होती है, उसके पाक कलाम की। कृपया 이 말씀을 잘 정리하시고 여러분 것으로 만드시길 바랍니다. और इन्हीं मुश्किलात पर काबू पाने के लिए हमें खुदा के पाक कलाम को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना पड़ता है।제가 첫 시간에는 전도자의 신앙의 발판을 말씀드렸어요. सबसे पहले हमने ईमान की बुनियाद के बारे में बात की थी।전도자는 하나님이 전도자를 부르셨다고 말씀드렸죠. और उसके साथ हमने इवेंजलिस्ट के बारे में भी बात की थी कि उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए।그리고 그 전도자와 함께 하신다고 말씀드렸어요. और उसके उसमें हमने ये भी सीखा था कि खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है, उनके साथ रहता है जो उसके पाक कलाम को फैलाते हैं।그리고 우리를 전도자로 부르신 것은 많은 사람들에게 예수 그리스도를 전하라고 부르셨다고 말씀드렸죠. और हमने ये भी सीखा था कि खुदा हमारी जो बुलाहट है वो आम बुलाहट नहीं होती, बल्कि ये खुदा की तरफ से है ताकि हम उसके पाक कलाम को फैला सकें।그리고 그 전도자에게는 귀신을 꺾을 권능을 주셨다고도 말씀드렸습니다. और वो अपने लोगों को इख्तियार भी देता है ताकि वो बदरुहों को निकाल सकें, शैतान पर काबू पा सकें।우리 안에 이 믿음이 있으셔야 됩니다. और हमारा ऐसा ईमान होना चाहिए। 그리고 두 번째 시간에는 성도의 신앙의 발판을 말씀드렸어요. और दूसरे नंबर पर हमने देखा था कि लोग जो होते हैं, जो ईमान लाते हैं, उनके ईमान की बुनियाद कैसी होनी चाहिए।그리고 첫 번째로 우주 만물의 주인은 하나님이시다 말씀드렸어요. सबसे पहले हमने सीखा था कि वो खुदा जिसने इस कायनात को पैदा किया वो꼭이 कौन है।모든 세상은 다 하나님의 것이라는 거예요. जो कुछ भी इस दुनिया में बना है, ये सब कुछ खुदा ने बनाया है।인간의 생명도 하나님의 것이죠. इंसान की जो जिंदगी है, ये भी खुदा की तरफ से दी हुई है।또한 우리에게 주신 물질도 다 사실은 하나님의 것이라는 거예요. हमारी हर चीज, जो कुछ हमारे पास है, ये खुदा की दी हुई है।그래서 다윗은 자기가 가지고 있는 모든 돈을 다 하나님께 성전 건축을 위해 드렸다고 말씀드렸습니다. और फर्स्ट क्रॉनिकल्स में से, तवारीख में से, इतिहास में से हमने देखा था कि दाऊद ने बताया कि जो कुछ भी दिया ये सब खुदा का, और हमें ये उसको ही देना है।하나님께 받은 것을 하나님께 드렸기 때문에 아깝지가 않죠. जो कुछ खुदा का दिया हुआ है वही हम खुदा को देते हैं, और हमें कभी भी इस चीज को अजीब नहीं समझना चाहिए।두 번째로는 온 인류를 구원할 하나님의 방법, 예수 그리스도를 말씀드렸어요. और दूसरे नंबर पर हमने मसीह के बारे में बताया था जो हमारे गुनाहों की माफी के लिए इस दुनिया में आया।다른 이로서는 구원받을 수 없다, 성경에 말합니다. बाइबल मुकद्दस में हमें ये बताया गया है कि सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से ही हमें निजात मिलती है।예수 그리스도 외에는
천하 사람 중에 다른 이름으로 구원받을 만한 사람을 우리에게 주신 일이 없다라고 말해요. कलाम-ए-मुकद्दस हमें ये बताता है कि कोई भी ऐसा नाम नहीं जिसके वसीले से हमें निजात मिलती है, सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें निजात देता है। ये ईमान आपका होना चाहिए जो कभी डगमगाए नहीं। कोई भी जो है हमें निजात नहीं दे सकता, ये भी आपको मैंने बताया था। 여러분, 돈이라는 것이 인간을 구원할 수 없어요. बहुत सारी जो दौलत है वो भी आपको निजात नहीं दे सकती। 예수 그리스도만의 구원자입니다. जो हमारा निजात दहिंदा है, मुक्ति दाता है, वो सिर्फ प्रभु यीशु है। 그리고 지금도 하나님께서는 성령으로 역사하고 계신다고 말씀드렸어요. और आज भी मैंने आपको बताया कि आज भी पाक रूह के वसीला से वो हमारे साथ मौजूद है। 2000년 전에 초대교회 성도들과 성령을 함께 하셨습니다. 2000 साल पहले इब्तिदाई कलीसिया जब बनी थी तो तब भी पाक रूह उनके साथ था। तो उरे हांगुके मिथुमे साराम들과도 함께 하셨다고 말씀드렸죠. और मैंने अपने कोरिया के बारे में बताया कि आज भी कोरिया में भी वही पाक रूह हमारे साथ है। 지금도 인도와 파키스탄에 계신 여러분들과 성령을 함께 하시고 역사하십니다. और आज भी इंडिया में जितने भी लोग उसके मानने वाले हैं, पाकिस्तान में भी आज भी वो उनके साथ मौजूद है। 여러분, 보이는 게 다가 아니라는 걸 기억하셔야 돼요. 다시 말씀하세요. 아, 보여지는 것이 다가 아니라는 것을 기억해야 됩니다. और हर चीज जो वो हमें नजर आती है उसके बारे में भी हमने देखना है कि सब कुछ खुदा का बनाया हुआ है। 여러분, 보이지 않지만 성령은 우리에게 역사하신다는 걸 믿으시길 바랍니다. हम देखने वाली चीज पर तो ईमान रखते हैं, लेकिन जो चीज नहीं नजर आ रही उस पर भी हमने ईमान रखना है, और वो पवित्र आत्मा है। ये जो ने बोंचेरल 말씀드리겠습니다. अब चौथे नंबर पर मैं आपसे आपको आपको कलाम बयान करना चाहता हूँ। 성도의 신앙의 발판 네 번째는 하나님의 말씀입니다. चौथे नंबर पर जो हमारे ईमान की बुनियाद होती है वो खुदा का कलाम है। 여러분, 하나님의 말씀은 오직 성경밖에 없습니다. और खुदा का कलाम जो हमारे पास है वो सिर्फ होली बाइबल है, बाइबल मुकद्दस है, और कोई नहीं। 구약은 39권, 신약은 27권입니다. ओल्ड टेस्टामेंट जो वो 39 बुक्स की सूरत में और न्यू टेस्टामेंट 29 बुक्स की सूरत में हमारे पास मौजूद है। 여러분, 이 성경을 벗어나면 절대 안 됩니다. इस कलामे मुकद्दस के अलावा हमने किसी और किताब को नहीं देखना। 모든 그리스도인들은 다 성경 중심의 신앙이 돼야 돼. जितने भी मसीही हैं, ईमानदार हैं, सबको कलाम मुकद्दस की तरफ देखना है। 여러분, 이상하게도 기독교에는 이단과 사이비들이 너무 많습니다. 다시 말씀하세요. 이상하게도 기독교에는 이단과 사이비 종교가 많습니다. हमारे मसीही कलीसिया में भी, मसीही लोगों में भी बहुत सारी बिदतें और दूसरे मजाहब पाए जाते हैं। 여러분, 불교에도 별로 이단이나 이슬람에도 이단이라는 거 별로 없죠. हम अगर दूसरे मजाहब में देखें तो ऐसे दूसरे मजाहब नहीं पाए जाते, उनमें बिदतें नहीं पाई जाती। 근데 이상하게도 기독교는 예수 믿는 이것이 너무나 많은 이단이 너무나 많아요. लेकिन हमारे मसीही फिरका में या मसीही मजहब में बहुत सारी बिदतें पाई जाती हैं। 그것은 오직 예수만이 진리이기 때문에 그런 거예요. वो सिर्फ इसलिए है कि वो मसीह को अच्छे तरीके से नहीं जानते। 여러분, 진리라는 것은 오직 예수만이 진짜라는 거예요. और वो हकीकत को नहीं जान पाते जो कि यीशु मसीह में पाई जाती है। 여러분, 이 하나님의 말씀이 성경만이 진리입니다. और हमारी हकीकत ये है कि वो खुदा जो पाक रूह की सूरत में मौजूद है। 여러분, 중세 교회에
중세 교회 많은 사람들은 많은 사람들이 타락을 했습니다. 중세 교회? 중세. 네네. 중세 교회 많은 사람이? 중세 교회 많은 목회자들이 타락했었습니다. 아니, 저 도세 그 이제 페르카 해 उसके बारे में बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो मसीह को अच्छे से नहीं मानते. 그래서 성경에 없는 얘기를 많은 성도들에게 했어요. वो ये बताते हैं कि कोई भी ऐसा पाकरू नहीं जो हमारे साथ होता है. 그것이 바로 면죄부를 판 겁니다. और वो जो है सबसे बड़ी बिद्दत कहलाते हैं. 그 당시 유럽의 교회는 큰 성당을 많이 졌어요. और हम देखते हैं कि यूरोप में बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी वो जिसको कैथलिक है जैसे उन्होंने बड़ी बड़ी हैकल बनाई है चर्चेस बनाए हैं. 지금도 유럽에 가면은 많은 성당들이 있죠. 아비 비압 유럽 में जाएं तो बहुत सारे ऐसे कैथलिक चर्चेस आपको देखने को मिलते हैं. 근데 그것이 바로 성도들이 낸 헌금으로 지어진 겁니다. और वो सब लोगों के दिए हुए हदिया से बने हैं. 그런데 이 성당을 무리하게 건축하다 보니까 돈이 모자란 거예요. अगर हम देखें तो इतने बड़े चर्चेस बनाने के बाद भी उनके पास पैसों की कमी नहीं है. 그래서 그때 교황청과 로마의 교황청과 많은 천주교 사람들이 생각하는 게 바로 면죄부입니다. 예, सब कुछ करने के बाद भी कैथोलिक क्लीसिया जो आज भी वो मुतहिद नहीं है, मुत्तफिक नहीं है बहुत सारी चीजों में. 여러분, 인간이 죽으면 천국과 지옥으로 갈리고 끝입니다. अगर इंसान मर जाए तो वो दो जगह ऐसी हैं जहां उसको जाना होता है, वो जहन्नम है या जन्नत है. 여러분, 천국과 지옥의 중간에 뭐가 있는 건 절대 아니에요. जन्नत और जहन्नम के दरमियान में कोई भी ऐसी जगह नहीं पाई जाती जिसको हम कह दें कि वहां हम वहां भी जा सकते हैं. 근데 로마 교황청에서는 천국과 지옥에 가기 전에 사람이 어떤 장소에 머문다고 얘기를 했습니다. लेकिन यूरोप में कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं जो ये कहती हैं कि जन्नत और जहन्नम में जाने से पहले एक ऐसा मुकाम है जहां पे रूहें पहले जाती हैं और उनका इंसाफ होता है. 그래서 그 장소에 머물고 있는 사람이 천국으로 가기 위해서는 너희들이 돈을 주고 면죄부를 사면 된다고 얘기를 한 거예요. और वो उनको बताते हैं कि जहन्नम में जाने से पहले उस जगह पे उनको पहुंचाया जाता है, उनको बताया जाता है अगर आप बहुत सारे पैसे आपने दिए हैं तो आप जन्नत में जा सकते हैं. 여러분, 이것은 성경에 어디에도 기록되지 않은 거짓말입니다. ऐसी बातें हमें कलामी मुकद्दस में नहीं मिलती और सब कुछ झूठ है. 그런데 그 당시에 많은 로마 교황청의 사람들은 성도들에게 거짓말을 했어요. और ऐसी बातें ही कैथोलिक कलीसिया ने या रोम में या यूरोप में जितनी भी कलीसियां पाई जाती हैं उन्होंने झूठ बयान किया है अपने लोगों से. 그런데 안타깝게도 그 당시에 많은 성도들은 성경을 읽지 못했습니다. और जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पाक कलाम को पढ़ते नहीं हैं. 왜냐면은 그 당시에 성경은 너무나 어려운 고대의 라틴어로 기록된 성경이었기 때문이에요. उस वक्त जो उनके पास बाइबल मुकद्दस थी वो लातीनी जुबान में थी जो कि उनको बहुत ज्यादा मुश्किल लगती थी. 그러니까 성도들은 로마 교황청에서 말하는 대로 진짜 돈을 주고 면죄부를 사면 내 가족이 천국 갈 거라고 생각한 거예요. और उनको जो बाइबल मुकद्दस के बारे में बताया नहीं जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था, वो पढ़ते नहीं थे, बस उनको ये बयान किया जाता था कि अगर आप बहुत सारा हदिया देते हैं तो आप और आपकी फैमिली जो है वो जन्नत में जा सकते हैं. 그래서 많은 사람들이 내 가족, 내 어머니, 아버지가 천국 가길 원하는 마음으로 돈을 주고 면죄부를 사게 됩니다. और वहां पे लोग ये करते थे कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे बहन भाई, मेरी पूरी फैमिली जन्नत में जा सके. वो बहुत सारे अपने हदिया जात अपने चर्चों में लेके आते थे. 여러분, 절대 성경에 없는 이야기입니다. 예, 바텐 하면 कहीं भी कलामे मुकद्दस में नहीं मिलती. 여러분, 제가 왜 여러분들에게 성경을 읽으라고 하시는지 아십니까?
क्यों मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आप कलाम मुकद्दस को पढ़ें? 성경을 읽고 성경을 알아야 이런 거짓말에 속지 않기 때문에 성경을 읽으라고 말씀드리는 겁니다. मैं इसलिए आपको बोलता हूं ताकि आप कलाम मुकद्दस को होली बाइबल को पढ़ें और हकीकत को जान सकें और झूठ के पीछे ना चलें। 여러분, 마귀는요, 성경을 자꾸 이상하게 만들어요. और शैतान जो है वो बाइबल मुकद्दस को बहुत तोड़ मरोड़ कर बयान करना करता है। 그러니까 여러분들이 성경을 잘 아셔야 된다는 거예요. इसलिए मैं कहता हूं कि आप होली बाइबल को बहुत अच्छे से जान रखें। 여러분, 성경을 날마다 읽고 성경 말씀을 듣고 또한 그 말씀에 순종하는 사람이 되셔야 돼요. मैं चाहता हूं कि आप रोजाना बाइबल को पढ़ें, बाइबल को सीखें और बाइबल की बातों पर अमल करने वाले बन जाएं। आमीन। 여러분, 천국은 돈을 주고 살 수 있는 게 아닙니다. हम कभी भी जन्नत में पैसे दे के या दौलत दे के किसी को भी नहीं जा सकते। 그래서 하나님께서 루터라는 사람을 통하여 종교 개혁을 일으키신 거예요. इसलिए खुदा ने अपने बंदा को तैयार किया, मार्टिन लूथर को तैयार किया ताकि हम इन बातों को सीख सकें। 여러분, 루터가 종교 개혁을 할 때 다섯 가지의 신앙을 얘기했습니다. अगर हम मार्टिन लूथर के बारे में देखें तो उसने पांच तरह का जो वो इकरार किया था अपनी जिंदगी में। 첫 번째는 오직 믿음으로 구원받는다요. सबसे पहली बात उसने ये बोली थी कि सिर्फ हम अपने ईमान से ही निजात पा सकते हैं। दूसरों ओजिक यीशु क्रिस्तोरो कुवन बनन्दा है। दूसरे नंबर पर उसने बोला कि सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से ही हम निजात पा सकते हैं। से बोंचेरों ने कुवन ओजिक हनानीमे उने रानन गोय। और तीसरे नंबर पर उसने बोला कि ये खुदा के फजल से हमें मिलती है, निजात मिलती है। तो ने बोंचेरों उरीने ओजिक हनानीके यंग्वांगल तुल्लुए देन्दानन गोय। और चौथे नंबर पर उसने कहा कि हम खुदा के नाम को जलाल देने के लिए निजात। कुरिगो माजिमाग दसव बोंचेनन ओजिक संग्योंगमानी जिल्लीरानन गोमिदा। और आखिरी जो पांचवा पॉइंट था वो ये था कि पाक रूह जो है वो एक हकीकत है।여러분, 이 다섯 가지를 중심으로 종교 개혁이 일어난 것입니다. और उसने कहा कि इन पांच बातों पर ईमान रखते हुए हम अपने मजहब की बुनियाद डाल सकते हैं। 여러분, 성경만이 오직 하나님의 말씀이라는 걸 기억하셔야 돼요. इसलिए हमें इस बात को याद रखना है कि होली बाइबल जो खुदा का कलाम है हमारे पास है। 우리 성경을 한번 좀 찾아볼까요? अभी हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। 우리 디모데 후서를 보겠습니다. Second Timotheus. Second Timotheus. 예, 디모데 후서 우리 3장입니다. Second Timotheus chapter 3. 3장 우리 14절에서 우리 17절까지 말씀이에요. 14절에서 17절까지? 예, 14절에서 17절. And the second Timotheus chapter 몇 장? 3장, 3장. 3. And the chapter 3 verse 14 to 17. 빨리 14 to 17. और चिंता यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह के तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और तू बचपन से उन पाक मनुष्यों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सफा जो खुदा के अहम से है, तालीम और इल्जाम और और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मुर्दा खुदा कामिल बने और हर एक नए काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। आमीन। ये संग्योग ये संग्योगन क्रिस्तो यीशु 안에 있는 믿음으로 구원에 이르는 지혜가 있다고 말씀하세요. 제가 다시 한번 얘기해야 돼 바부쿠라 사람한테. 아, 예, 말씀하세요.
सेकंड टिमोथियस, बाबूपुरा वाले सुन लें प्लीज दोबारा, सेकंड टिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 14-17, सेकंड टिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 14-17. नेम उसने ये 분명히 이 성경에 보니까 성경을 통하여 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 구원을 받는다라고 말씀하고 있어요. हाँ जी, यहाँ पे इस कलाम में हमें ये बताया जाता है कि हम मसीह के वसीला से जो निजात पाने वाले बनते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि पाक रूह के वसीला से हम उसके बेटे और बेटियां रास्तबाज बनते हैं। ये वही भावपूरा शिनासेंग इल्गोशी इल्गोसेयो था शिल्गो भाई जी आ जी के भावपूरा शिनासेंग आप लोग नावा केशिले नहीं नहीं बाबूपुरा वाले भी प्लीज एक बार पढ़ दें आप इसको, सेकंड तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 14-17. पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए परमेश्वर का जन बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। ये 우리는 그러기 때문에 오직 하나님의 말씀인 성경만이 진리임을 믿어야 돼요. हमें सिर्फ खुदा के कलाम पर ईमान रखना है कि यही सबसे बड़ी हकीकत है। 정말 우리 인도 신학생들, 파키스탄 신학생들 성경을 가까이 하시길 바랍니다. मेरे पाकिस्तान के प्यारे स्टूडेंट्स और इंडिया के प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमेशा पाक कलाम को अपने पास रखें। मैं जब छोटा था तो मैं खिलौनों से बड़ा प्यार करता था। और इसी तरह मेरा बच्चा भी, जो मेरे बच्चे हैं वो भी खिलौनों से बड़ा प्यार करते हैं। चोई खाजोक? चोई जीवन, चोई 부모님은 풍요롭지 못했습니다. और मेरे जो पेरेंट्स थे वो इतने अमीर नहीं थे। 그래서 제가 갖고 싶은 장난감을 많이 사줄 수가 없었어요. जिसकी वजह से मेरे माँ बाप मुझे मेरी पसंद के खिलौने लेके नहीं दे सकते थे। 그런데 어느 날 어머님이 저에게 장난감을 하나 사주셨어요. एक दिन मेरी माँ ने मेरे लिए खिलौना खरीदा। वो खिलौना लेने के बाद मुझे कितनी खुशी हुई मैं ये बता नहीं सकता। 여러분 너무나 좋으니까 잘 때도 깨안고 잤어요. 너무나 좋으니까? 너무나 좋아서 잘 때도 깨안고 잤어요. 저 मुझे वो खिलौना इतना पसंद आया कि मैं सोते वक्त भी उसको साथ लेके सोता था. 누가 뺏어갈까 봐 깨안고 잤어요. मैं वो बिल्कुल ऐसे जोर के साथ उसको जब भी डाल के सोता था. 여러분 성경이 여러분들에게 그렇게 돼야 돼. मैं चाहता हूं कि आप भी अपने पाक कलाम के साथ इसी तरह प्यार करें। 성경이 여러분들에게 그 어떤 것보다 더 소중한 것이 되어야 돼요. मैं चाहता हूं कि आप इसको उतना ही कीमती समझे जितना कि आप दूसरी चीजों को समझते हैं। 여러분 성경을 읽고 성경을 듣고 성경대로 순종하는 자에게 하나님은 복을 주신대요. खुदा
आपसे ये चाहता है कि आप इस कलाम मुकद्दस को पढ़ें, इसको सीखें और इस पर अमल करें और इसको फैलाने वाले बन जाएं। 여러분, 요한계시록 1장 3절에 그렇게 말씀하십니다. Revelation chapter 1 verse 3 में देखेंगे हम. Revelation chapter 1 verse 3. योहन्ना आरफ का 1장 3절입니다. हाँ जी, योहन्ना आरफ का मुकाशफा चैप्टर 1 वर्स 3, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3। इस नबुवत का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। आमीन। ये 분명히 성경을 읽고 듣고 또한 지키는 자에게 복이 있다고 말씀하세요. 아, 이제 यहां पे हमें ये बयान किया गया है कि जितने भी उसको पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जो उस पर अमल करते हैं वही मुबारक होंगे। 여러분, 성경을 소중히 해야 돼. हमेशा आपने इससे प्यार करना है, खुदा के कलाम से। 성경은 하나님의 말씀이기 때문이에요. क्योंकि ये खुदा का कलाम है। 성경은 예수 그리스도의 말씀이기 때문입니다. क्योंकि ये खुदा का कलाम है, इसलिए इससे मोहब्बत करनी है हमें। 그리고 때문에 성경을 가까이 하셔야 되는 거예요. हमें हमेशा इसको अपने पास रखना है। 성경을 가까이 한다는 것은 하나님을 가까이 하는 거랑 똑같아요. क्योंकि जब हम उसके पाक कलाम को अपने पास रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा की कुर्बत में रहते हैं। 성경을 가까이 한다는 것은 예수 그리스도를 가까이 한다는 거랑 똑같아요. क्योंकि जब हम कलाम को पास रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम यीशु मसीह को अपने पास रखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुदा को हमेशा अपने, खुदा के पाक कलाम को हमेशा अपने पास रखें। अभी पांचवे नंबर पर हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। हाँ जी, पांचवे नंबर पर खुदा की हैकल के बारे में हम सीखेंगे। खुदा का जो मकदस है, खुदा का जो हैकल है, वो एक इमारत के बारे में नहीं है। हनानिमे किप्पाशिरन संजोनन बारो संयोंगे कोआशिरन चोआ योरोबुनिमिदा। खुदा का जो मकदस है, खुदा के जो हैकल है, वो हम में है, जिसमें उनका पाक रूप पाया जाता है, वो आप हैं और हम हैं। 그렇기 때문에 성도라고도 말씀하고 계시죠. इसलिए हम अपने लोगों को बुलाते हैं हमारे जो कलीसिया है। 여러분, 우리 고린도 전서 3장을 보겠습니다. फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 3 में हम देखेंगे। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 3, पहला करिन्थियों 3 बाब। First Corinthians chapter. 고린도전서 3장 우리 16절 말씀이에요. 1 Corinthians 3 bab uski 16 ayat mein hum dekhenge. First Corinthians chapter 3 verse 16. ye hum bol rahe hain uski apne aise bhi utro ke usko bolna kya tum nahi jante ki khuda ka muqaddas aur khuda ka rooh mein basa hua hai. amen. आमीन। ये हनानिमे संजोनन बारो उरीराको मालसमाशिबिदा। अंजी, खुदा का मकसद कौन है? वो हमें कहता है कि आप खुदा के मकसद मकसद हो। खुद हनानिमे संयोंगी कोआशिनन कु सरामुल हनानिमे संजोनराको मालानो। वो बार-बार हमें कहता है कि हम में खुदा का रूप आया जाता है और हम खुदा के मकसद हैं। 여러분 안에 성령이 거하시면 여러분들은 하나님의 성전이에요. अगर आप में खुदा का पाक रूप आया जाता है तो आप भी खुदा के मकदस हैं, उसकी मुकद्दस हैकल हैं। 여러분, 이런 건물을 보고서 하나님의 성전이라고 말하는 것이 아니라 성령이 내 안에 계시면 내가 하나님의 성전이라는 거예요. एक बिल्डिंग को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये खुदा की हैकल है, ये खुदा का मकदस है, बल्कि अगर पाक रूप हमें पाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हम खुदा का मकदस हैं। 여러분, 역사적으로 볼 때에 여러분 예루살렘의 그 성전을 가지고 많은 사람들이 싸웠습니다.
अगर हम तारीख को देखें तो तारीख में यह बयान किया गया है कि खुदा की जो हैकल थी उसको लेके बहुत सारे लोगों ने जंगें भी की, लड़ाइयां भी की। 여러분 십자군 전쟁이 일어난 것도 그 예루살렘 성전을 이슬람에게서 탈환하기 위해서 일어난 거잖아요. और बहुत सारी ऐसी जंगें थी जो सलीब की वजह से लड़ी गई और मुकद्दस हैकल को लेके लड़ी गई। 여러분 이슬람의 귀한 메카 성전도 예루살렘이 있고 여러분 기독교의 유명한 예루살렘 성전도 예루살렘에 있어요. 이슬람 का जो मक्का है वो आप जानते हैं कि सऊदी अरब में मौजूद है और दूसरे जो हैकल है वो यहूदियों के या हमारे लोगों की जो है वो उधर यरूशलेम में मौजूद है और इसी तरह मसीहियों के भी हैकल मौजूद है। 여러분 그 예루살렘 성전을 위해서 막 전쟁을 일으켰잖아요. यरूशलेम में जो हैकल है उसके लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयां की, जंगें की। 어 그것을 내가 지키기 위해서 전쟁하고 수많은 사람들이 죽었어요. और उसकी हिफाजत करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी दी और लोगों को मारा भी। 여러분 그만큼 예루살렘 성전은 그러한 가치가 있다고 생각하기 때문에 그런 겁니다. और वो ये समझते थे कि ये हमारे लिए बहुत ही मुकद्दस है इसलिए वो उसकी हिफाजत करते थे। 그런데 여러분들 그거는 건물이잖아요. वो एक इमारत थी, वो एक बिल्डिंग थी जिसकी वो हिफाजत करते थे। 여러분 하나님이 기뻐하시는 하나님의 성전은 하나님의 성령이 거하시는 사람이에요. लेकिन खुदा जिस काम के लिए खुश होता है अगर हम उसको खुश करना चाहते हैं तो हमें जिसमें खुदा का पाक रूपवितर आत्मा पाया जाता है वो हम है और हमने एक दूसरे की हिफाजत करनी है। 그래서 우리가 읽었던 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전이다라고 말하는 거예요. और यही बात हमें 1 Corinthians chapter 3 verse 16 में बताई जाती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक्दिस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। 너희가 하나님의 성령이 거하시는 하나님의 성전이다라고 말하는 거예요. 하면 बार-बार ये बताया जाता है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है और तुम ही खुदा का मक्दिस हो। 여러분들은 하나님의 성전임을 기억하시길 바랍니다. और हमेशा इस बात को याद रखें कि आप खुदा का मक्दिस हो, आप खुदा की मुकद्दस हैकल हो। 여러분뿐만이 아니라 예수 믿는 모든 사람들은 하나님의 성전임을 기억해야 돼. 아프 암 로그 나히 해 발케 खुदा की मुकद्दस हैकल है उसका मक्दिस है। 그리고 저기 세상에 예수 믿지 않는 불신자들도 하나님의 성전이 될 수 있도록 우리는 예수가 그리스도임을 전 세계에 선포하고 얘기해야 돼. और वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते उनको भी आपने बताना है, उनको कलाम के वसीला से ये समझाना है कि आप भी खुदा के मक्दिस हैं। 여러분, 한 영혼의 생명이 천하보다 귀하다고 말씀하십니다. और एक जो रूह है जैसा कि आप जानते हैं वो भी हमारे लिए और खुदा के लिए बहुत कीमती है। 여러분, 기억하셔야 됩니다. 여러분들은 소중한 사람이라는 것을। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि आप खुदा के बहुत कीमती लोग हैं। 여러분 안에 성령이 계시고 예수 그리스도가 계시다면 여러분들은 소중한 사람이에요. 아프 में खुदा का रूह बसता है और आप खुदा के लिए बहुत कीमती लोग हैं। 여러분 여기 컵이 있습니다. 컵이. 예. 예 मेरे हाथ में एक कप आप देख सकते हैं। 여기 컵이 있어요. 컵. जी कप नजर आ रहा है मेरे हाथ में आपको। 근데 이 컵이 컵 금으로 만들었다고 생각해 보세요. हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कप जो है एक किसी धातु से बनाया गया है, पत्थर से या किसी भी चीज से बनाया गया है।굉장히 비싼 컵이겠죠? ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत कीमती कप है। 그런데 이 컵 안에 더러운 똥이 담긴 물이 있다고 생각해 보세요. 더러운? 더러운 물이 담겨 있다고 생각해 보세요. आप ये ख्याल कर सकते हैं कि इस कप में जो गंदा पानी पड़ा हुआ है। 여러분 아무리 금으로 만든 컵이지만 그 안에 물은 마실 수가 없습니다. 물이 더러우니까.
कोई भी ऐसा कप जो कि बहुत कीमती है अगर उसके उसमें गंदी चीज पाई जाती है तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। 그런데 이 컵이 그냥 아주 싼 것으로 만들었다고 생각해 보세요. और अगर हम इसी कप को ये कहें कि ये एक कीमती पत्थर से बनाया गया है। 그런데 이 안에 아주 맛있는 아주 달콤한 음료수가 담겨 있어요. और इस कप में अभी हम कहते हैं कि इसमें बहुत ही मजेदार पानी जो है वो डाला गया है। 그러면 아무리 싼 컵이지만 그 안에 담겨 있는 맛있는 음료수 때문에 사람들은 마실 겁니다. जी और अगर हम ये कहें कि ये इस कप की कोई कीमत नहीं है लेकिन इसमें बहुत कीमती पानी डाला गया तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। 여러분 마찬가지로 우리를 그릇이라고 한번 생각해 보세요. 컵이라고 생각해 보세요. हाँ जी इसी तरह इस कप से हम एक दूसरे को मुताबकत दे सकते हैं। समटाइम लोग हमें ये समझते हैं कि इनकी कोई कीमत नहीं है क्योंकि हम देखने में बहुत ही आम से नजर आते हैं। इसी तरह अगर हमें यीशु मसीह पाया जाता है, इसी तरह अगर हमें पाक रूप पाया जाता है तो इसी कप की तरह जो एक आम सा कप है और उसमें बहुत अच्छा पानी पाया जाता है इसी कप की तरह हमारी वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारा ईमान है कि हम में पाक रूप आया जाता है। क्योंकि हमारा ईमान है कि मसीह हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी इसलिए कलाम हमें बताता है कि हम खुदा का मकदस है और खुदा का रूह हम में पाया जाता है। हम खुदा के कीमती लोग हैं और वो हमें बरकत देना चाहता है। हमेशा हमें खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हमेशा उसकी हम्दो सना करते रहना चाहिए। और यही जो खुदा का जो मकदस है उसकी जिंदगी होनी चाहिए। आज जो पांचवे नंबर पर मैंने आपको बताया है इसको अच्छे से आप याद रखें। संदोए शिनांगे बालपानिब्निदा। ये हमारे जो जितने भी इवेंजलिज्म करते हैं जो खुदा के पाक कलाम को फैलाते हैं उनका मकसद होना चाहिए। जे नेल नामोजी 다섯 가지를 또 말씀을 나누겠습니다. कल दोबारा हम इसी बारे में बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 우리 기도하겠습니다. अभी हम प्रार्थना करेंगे। हरानी कामसाहमिदा। ऐ खुदा बात तेरा शुक्र करते हैं। उन्हें शिनागे 가장 중요한 기초를 우리가 나눴 말씀을 나눴습니다. आज ईमान के बारे में हमने इब्तदाई बातें सीखी तेरा शुक्र करते हैं। ये मालसुमी इंदोआ उरी पाकिस्तान के शिनाक्सेंग들의 그 심령에 심겨지게 하여 주시옵소서। और जितने भी लोग तेरे पाक कलाम को इंडिया और पाकिस्तान में सीख रहे हैं सबके ईमान को और ज्यादा बढ़ा। 우리는 공부하기 위해서 모이는 것이 아니라 전도하기 위해서 모인 겁니다. हम आम पढ़ाई करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए बल्कि तेरे पाक कलाम को सीख कर उसको फैलाने वाले बनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। 우리 모든 신학생들이 인도와 파키스탄을 살리는 전도자가 되기를 간절히 기도합니다. और जितने भी तेरे पाक कलाम को सीख रहे हैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि सभी तेरे पाक कलाम को फैलाने वाले बन जाएं। 성령님 저들과 함께 하여 주시고 역사하여 주시옵소서। और तेरा पाक रूह हमेशा हमारे साथ रहे और हमारी जिंदगी में अजीब काम करता रहे। 내일도 건강한 모습으로 만날 수 있도록 역사하여 주시옵소서। कल भी हम एक अच्छे ख्यालात के साथ अच्छी सेहत के साथ एक दूसरे के साथ मिलने वाले बन सके। 주님 모든 영광 받아 주시옵소서. हमेशा तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 예수 मसीह के नाम में ये सारी दुआ मांगते हैं। आमेन।
Amen. Yeah, 선생님, 예. 선생님 감사합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 운동 파워풀 하신 학생들 내일 만나요. 네, 내일 뵙겠습니다. 예. 감사합니다. 예, 내일 만납시다. 예, see you tomorrow. 수고 많았습니다. 네. See you tomorrow. 네, 수고하셨습니다, 목사님, 선교사님. 네, 수고하셨습니다. 네. 고맙습니다. 네.